आज कुछ पेयर्स जो कि सेल्स के लिए अवेलेबल हैं आपको दिखाए जाएंगे। इसमें ललसरे हैं, अम्बल सरे हैं, कास्ती हैं और कलसरे हैं। साथ में बाजरे का बहुत बेहतरीन जोड़ा है दोस्तों। तो ये 6-7 पेयर जो सेल्स के लिए अवेलेबल हैं आपके सामने दिख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, बने रहें पूरे वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इस्तकबाल है आपका भोपाल पिजन्स में, मैं इमरान खान आपका स्वागत करता हूँ। और आज हाजिर हैं फिर से हम मोना भाई की लोफे। मोना भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का लाख लाख एहसानों करा में। तो मोना भाई आज कितने पेयर हैं जो आपके पास सेल के लिए अवेलेबल है? 6 से 6 पेयर है करीब, और 2 इकट्ठे होंगे नर। जी तो ये सारे इनमें नस्लें कौन कौन सी और कलर कौन कौन से? कलसरे मिलेंगी और बाजरे मिलेंगे जी, अम्बलसरे मिलेंगे। बाजरे, अम्बलसरे और कलसरे, तो ये 3 तरीके की हैं। तो दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मोना भाई के 5-6 पेयर्स का शो जरूर करें, और वो सारे पेयर सेल्स के लिए अवेलेबल हैं। तो चलिए जी, ब्रीडिंग पेयर हैं सारे के सारे, डिलीवरी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। तो दोस्तों हाजिर हैं पहला पेयर लेके मोना भाई की लोफा लेके। उससे पहले दोस्तों बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 2 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, क्योंकि शदीद गर्मी चालू हो चुकी है और कबूतर इस मौसम के अंदर मुंह खोल के बैठने लगते हैं। तो वो उनके मुंह खोल के बाद बचाने के लिए साथ में हरी बीट न करें, पतली बीट न करें, उसके लिए 2 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उनको जरूर चेक करें। तो मोना भाई ये पहला पेयर कौन सा है? बाजरों का पेयर। मोना भाई के लोफ के बाजरे देखिए आप दोस्तों, तो इनकी चमक देखिए आप, बहुत जबरदस्त है। इसमें नर कौन सा है? ये नर की आंख का शौक कराता हूँ दोस्तों, ये नर है और परी ने और ये मादे ने। तो ये बाजरे कबूतर मोना भाई के लोफ के, ये देख सकते हैं, और इनकी खूबसूरती भी देखिए आप, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। तो इनको छोड़ दीजिए मोना भाई, तो ऊपर न जाएं, इनके सारे कबूतर सीधे छोड़ते ऊपर जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा करीब जाता हूँ इनके, और धूप बहुत तेज है। तो ये पहला पेयर था बाजरे कबूतरों का, आप देख सकते हैं इसमें मादिन ये है भाई, मादिन में रामपुरी जी। और ये नर देखिए आप, कंफर्म ब्रीडर्स हैं जी, और पहला पेयर है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सेकंड पेयर मोना भाई की लोफ का। अड्डा बांध लिया इनके, बहुत कबूतर अभी भग चुके थे, तो ये नया अड्डा तैयार करा है, और ये कह रहे हम भी पकड़ेंगे दूसरों को कबूतर, हम भी पकड़ेंगे। नहीं दोस्तों ये हिलाने के लिए कबूतर, क्या है पहले ये था सिर्फ, तो अब नया छतरी बांधी है ये ताकि कबूतर भगे नहीं, ठीक है। तो चलिए मोना भाई आ चुके हैं दूसरा पेयर लेके, ये अम्बलसरे कबूतर। और मोना भाई के अम्बलसरे कबूतर भी बहुत जबरदस्त हैं उड़ान के मामले में भी, बड़े कबूतर हैं ये। ये नर की आंख देखिए आप, ये नर है जोड़े में होने के बाद उड़ा जी। और ये मादिन, ये देख सकते हैं मादिन, तो ये अम्बलसरे कबूतर है। तो मोना भाई इस बार रेंज नहीं बताई आपने, चलिए छोड़ दीजिए इनको। कबूतरों की प्राइस क्या रखी है आपने? अच्छा, जो पसंद करेंगे उसके हिसाब से आपको बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मोना भाई को रेट पूछने के लिए, रेट नहीं बता रहे मोना भाई इस बार। और मेरे हिसाब से तो ये 1-1 लाख रुपए के होंगे मोना भाई नहीं चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये अम्बलसरे कबूतर आपके लिए भाई, जो पेयर दिखा रहा हूँ जी वो खास पेयर है मेरे जी। मसला ये है कि मैं कबूतर थोड़ा कम करता हूँ, ये कर रहा है बहुत दिनों बाद भी आपका वीडियो बनाया मैंने 2-1 महीने के बाद। तो ये देख सकते हैं ये सेकंड पेयर था अम्बलसरे कबूतरों का। चलिए शो करते हैं तीसरे पेयर का। तो दोस्तों ये तीसरा पेयर, ये बाजरे हैं कलसरे हैं जी? बाजरे ही हैं, बाजरे ही हैं, घेरे बाजरे तो समझ ले जी। ये देखिए साइज में बहुत बड़े हैं ये कबूतर, नर बड़ा है मादिन बहुत छोटे जी। नर है,
और इसकी उम्र भी अच्छी लग रही है। हाँ, तीन एक साल के आसपास है। तीन साल के आसपास का कबूतर है ये नर। बड़ी हड्डी है कबूतर जी। और ये मादिन देखिए, मादिन उड़ी हुई है जी। ये मादिन है तो इनका कलर कोडिंग भी देखिए आप, बैंगनी शेड लिए हुए हैं हरे के साथ में, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। चलिए छोड़ दीजिए इनको भी। चमक जाएंगे और उड़ेंगे और हवा भी बहुत तेज है दोस्तों। आज तो मना भाई ने मजा ही करवा दिया, बहुत अच्छे कबूतरों का शौक करवाया। चलिए छोटे पैर देखते हैं मोना भाई की लॉफ्ट का। तो दोस्तों ये फोर्थ पैर मोना भाई की लॉफ्ट का, ये क्या अम्बल से रहे हैं कि कल से? कल से रहे हैं। तो ये देखिए आप इनकी खूबसूरती देखिए पहले तो आप, ये नर मादिनों की और सेम खानदान के लग रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। इसमें लड़के हैं कास्टिंग निकलते हैं इनमें से। तो ये आंख देखिए आप, ये नर की आंख है और ये मादिन। माशाल्लाह इस बार जितने भी पेड़ मोना भाई दिखा रहे हैं बहुत जबरदस्त पेड़ हैं, ये देख सकते हैं कल सरे का कबूतर जी। मोना भाई छोड़ दीजिए इनको भी। ये देख सकते हैं आप अंडे में बैठे हुए थे। तो ये फोर्थ पेयर था कलसरे कबूतरों का। तो चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। तो दोस्तों ये आज का पांचवा पेयर अम्बल सरे कबूतर कंजी आंखों में या मको आंखों में, तो देख सकते हैं इनमें ये बैंगनी शेड है हरे शेड के साथ में घर के ही जी। अच्छा नए पट्टी हैं ये मादी अंडे कर चुकी जी। तो देखिए आप ये नर है गर्मी आंखों में, हवा भी बहुत तेज चल रही है ये मादिन। तो ये देख सकते हैं ये अम्बल सरे कबूतरों का पेयर। छोड़ दीजिए मोना भाई नीचे। कबूतर जब छोड़ते हैं तो ऊपर जाते हैं तो क्या उनका रिजल्ट रहता है। तो चलिए अब दिखाते हैं कुछ दूसरे कबूतर। तो दोस्तों ये छठा पेयर कलसरे जालदार कबूतर, ये जालदार कबूतर है दोस्तों कलसरों में से। तो इनमें नर अलग ही दिख रहा है, बहुत अच्छे बड़े खुपाड़ के कबूतर हैं ये। ये नर है बच्चे रखेंगे जी और ये मादिन है। आप बैंगनी और मादिन पे हरा शेड ज्यादा है, नर पे बैंगनी शेड ज्यादा है। तो इनको भी छोड़ दीजिए। जितना ही बड़ा कबूतर है पर खुले मिलेंगे वो तो आपकी छत ही ऐसी है कि यहाँ पे सारा कबूतर उड़ जाता है। चौथी मंजिल पे हैं सारे कबूतर। तो दोस्तों ये सातवां पेयर एक कास्ती जोड़े का और छोड़ दीजिए आप। चौथे नंबर में जो पेयर दिखाया ना भाई जी उसकी बेटी है ये जी जी। तो ये मादिन उसकी है और ये नर है, नर का शौक किसी है। और मादिन देखिए आप बहुत अच्छा लगता है जी। तो ये सातवां पेयर था, छोड़ दिए मोना भाई इनको भी। तो दोस्तों आज ये सात पेयर थे टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं हर कलर आपको मिल रहा है इधर, हर नस्ल आपको मिल रही है, अलग अलग नस्लें हैं अलग अलग कलर हैं। तो देख सकते हैं तो मोना भाई कोई अगर एक जोड़ा लेना चाहे या पूरे एक साथ लेना चाहे तो एक साथ दे देंगे। तो साथ में एक साथ लेंगे तो रेट कम हो जाएंगे उसमें ना। तो आप मोना भाई से बात कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ सातों पेयर ले सकते हैं, चाहे तो एक पेयर या दो पेयर अलग अलग पेयर भी ले सकते हैं। और डिलीवरी चार्ज तो कई बार पेयर ही अलग आता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।
और बने रहें भोपाल विजन्स पे हर बार नए वीडियोस के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।